एक ग्लोबल रिपोर्ट के अनुसार कोपेनहेगन को दुनिया की सेफ सिटी नामित किया गया है। डेनमार्क की कैपिटल 2019 के 8वें स्थान से टॉप स्पॉट पर इसीलिए पहुंची क्योंकि यहां क्राइम रेट बहुत कम है और इनकम इनइक्वालिटी भी बहुत कम है। शहर के मेयर ने इनकम पैरिटी के बारे में बताते हुए कहा कि क्लीनिंग असिस्टेंट और सीईओ आपस में किसी लोकल सुपरमार्केट में टकरा सकते हैं, जबकि यह भी संभव है कि उनके बच्चे किसी एक ही स्कूल में पढ़ते हों। सिडनी, टोरंटो, टोक्यो और न्यूजीलैंड के वेलिंगटन शहर में भी इस क्षेत्र में अच्छा काम हुआ है। इस लिस्ट में किसी इंडियन सिटी को टॉप में जगह बनाने के लिए काफी काम करना होगा, पर यह भी सच है कि कठिन मेहनत से ही ये संभव है। आप सभी इससे सहमत है ना आईग्रास्पर्स? FSSAI के नाम से विख्यात द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने वीगन प्रोडक्ट्स के लिए नया लोगो शुरू किया है ताकि ग्राहक बाजार में इन कंज्यूमेबल्स की पहचान आसानी से कर सकें। इस लोगो में ग्रीन कलर्ड वी के ऊपर एक छोटा सा पौधा बना हुआ है और नीचे वीगन लिखा हुआ है। हम आपको बता दें कि वीगनिज्म एक ऐसी लाइफस्टाइल है जिसमें किसी भी तरह की मीट तथा डेयरी सहित एनिमल से लिए जाने वाले प्रोडक्ट्स का उपयोग नहीं किया जाता है। वीगनिज्म अब भारत में भी पॉपुलर हो रहा है। अब हमारे देश में कई वीगन ब्रांड्स आ रहे हैं। इस नए लोगो के बारे में आपके क्या विचार हैं? नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपनी राय दें। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को उनकी अमेरिका यात्रा के दौरान अमरीकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने 157 से अधिक आर्टिफैक्ट सौंपे हैं। ये आर्टिफैक्ट भारत में ओरिजिनेट हुए थे, पर कॉलोनाइजेशन के दौरान इन्हें ब्रिटिश ले गए। अमेरिका सरकार ने सम्मान के प्रतीक के रूप में इन आर्टिफैक्ट्स को वापस किया है। ये आर्टिफैक्ट्स बहुत ही डाइवर्स है। ये भारत के विभिन्न रिलीजन के हैं और मेटल, स्टोन और टेराकोटा जैसे विभिन्न मटेरियल से बने हुए हैं। इन एंटीक्विटीज को वापस करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपना अप्रिसिएशन व्यक्त किया है और कहा है कि ये दोनों देशों की फ्रेंडशिप का एक प्रतीक है। सिक्किम की राज्य सरकार ने कैटली फिश के कंजर्वेशन के महत्व को हाईलाइट करने के लिए इसे स्टेट फिश घोषित किया है। इस फिश की मार्केट वैल्यू बहुत अधिक है और यह राज्य की स्थानीय लोगों के प्रिय है। सरकार ने रिजर्वॉयर्स को फिशिंग एक्टिविटीज के लिए फिर से खोल दिया है, पर इसके लिए इंडिविजुअल फिशरमैन के साथ साथ कोऑपरेटिव सोसाइटी दोनों ही लाइसेंस लेने होंगे। आपकी फेवरेट फिश कौन सी है? नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इस सप्ताह का मुहावरा है अंधे की लाठी, जिसका मतलब है एक मात्र सहारा। बाप की मृत्यु होने के कारण श्याम ही अपनी माँ की अंधे की लाठी है। बूझो तो जाने, एक छोटा सा बंदर जो उछले पानी के अंदर, बताओ कौन? मेंढक। पहचानो कौन? ये राजनीतिक विशारद भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। 1965 में हुए भारत पाकिस्तान के युद्ध के दौरान भारतीय सेना के मनोबल और किसानों के योगदान को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। उन्हें 1966 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। यह सर्वोच्च सिविलियन सम्मान है। जी हाँ, ये लाल बहादुर शास्त्री ही हैं। क्या आपको मालूम है कि इन्होंने ही व्हाइट रेवोल्यूशन को बढ़ावा दिया था, जिससे भारत दुनिया का सबसे अधिक दूध उत्पादन करने वाला देश बन गया। इस महापुरुष को सलाम, जिन्होंने देश के कल्याण को सबसे पहला दर्जा दिया। क्या आपको मालूम है कि ओलंपिक मेडलों के लिए चुने जाने वाले रंग केमिस्ट्री के आधार पर होते हैं? गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज, ये तीनों धातुएं रेरिटी और अबंडेंस के असेंडिंग क्रम में एक ही पीरियोडिक टेबल में पाई जाती हैं। इन सब में कॉपर सबसे ज्यादा पाया जाता है और गोल्ड सबसे कम।
इसलिए गोल्ड मेडल पहले स्थान पर आने वालों को दिया जाता है, जबकि सिल्वर और ब्रॉन्ज दूसरे और तीसरे स्थान पर आने वालों को दिए जाते हैं। क्विज टाइम। चांदी और सोने की धातुओं को किस नाम से जाना जाता है? अपने उत्तर contactus@igrass.com पर लिख भेजिए। पिछले सप्ताह के प्रश्न का उत्तर। आर्कटिक महासागर वह महासागर है जहां नीली वेल के पाए जाने की संभावना सबसे कम है। भावी युवाओं के लिए भारत के प्रमुख समाचार कैप्सूल आईग्रास द्वारा आयोजित साप्ताहिक क्विज में सफलतापूर्वक भाग लेने पर सेंट अगस्टिन्स डे स्कूल बैरिकपोर की अनुष्का साहा को हार्दिक अभिनंदन।